अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर कुवैत से आ रही, अनदर लॉकडाउन विल लॉन्च बुलेट ऑफ मर्सी ऑफ कुवैत इकोनॉमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कुवैत में हर दिन 800 नए केस कोविड-19 के आ रहे, जिसके बाद दोस्तों वहाँ की स्थिति थोड़ी बिगड़ती जा रही है। तो वहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ने कुछ मीटिंग हुई और बताया गया कि वहाँ पे हो सकता है फिर से वहाँ पे लॉकडाउन लगाया जाएगा। दोस्तों, यदि लॉकडाउन लगाया जाता है तो गवर्नमेंट का कहना है कि कुवैत की जो इकोनॉमी जो थोड़ी बहुत ठीक ठाक है वो भी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी यदि दोबारा लॉकडाउन लगता है। और इस लॉकडाउन को दोस्तों कहा जाएगा बुलेट ऑफ मर्सी, इसे नाम दिया गया है। तो दोस्तों आप दुआ कीजिए कि दोबारा लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि लॉकडाउन यदि लगता है तो सभी पे मतलब इसमें प्रभाव पड़ेगा, मजदूरों पे, एक्सपर्ट पे, जो भी काम करते हैं वर्कर, सभी पे इफेक्ट करने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो वहाँ की इकोनॉमी होगी वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। पहले से दोस्तों 6 महीना वहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है, जिसके कारण वहाँ फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है काफ़ी नुकसान में गया, और दोबारा यदि लॉकडाउन लग जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अगली खबर साथ ही हमारी, MOE नीड्स फिलोसफी टीचर फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर। दोस्तों, पब्लिक ऑफ एजुकेशन सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फैसल अल मकसद का ये कहना है कि कुवैत में पहली बार फिलॉसफी के टीचर की वहाँ पे मांग हो रही है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे फिलॉसफी भी अब कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए दोस्तों वहाँ पे टीचर की मांग की जा रही है। फिलॉसफी के टीचर को वहाँ ढूंढा खोजा जा रहा है। तो दोस्तों, जो भी मेल टीचर है वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास फिलॉसफी की डिग्री है, सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल को अप्लाई नहीं करना है। तो साथियों, अब वहाँ पे फिलॉसफी पढ़ाया भी जाएगा और लोग बच्चे पढ़ेंगे फिलॉसफी। अगली खबर साथियों, हमारे 3 सिटीजन कुवैती सिटीजन जेल फॉर बीटिंग इंजरिंग ईरानियन प्रोटेक्टिंग वाइफ ऑनर। दोस्तों, क्रिमिनल कोर्ट के तहत दोस्तों 3 वहाँ पे कुवैती सिटीजन नागरिक को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। अब जेल इसलिए भेजा गया दोस्तों क्योंकि वहाँ पे एक ईरानियन एक्सपर्ट को वहाँ पे मारा गया, जिससे वो घायल हो गया, इंजर्ड हो गया, ये दोस्तों देखा गया था CCTV कैमरा में। तो दोस्तों फिलहाल तीनों कुवैती को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अगली खबर साथ ही हमारी, बैन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ मास्क विद वेलवे। दोस्तों, मेडिकल वहाँ के हेल्थ मेडिकल का ये कहना है कि जो वेलवे का जो मास्क होता है दोस्तों, वो वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, वहाँ पे वेलवे के जितने भी मास्क वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो सभी को बैन लगा दिया गया। और दोस्तों आपको बता दो, बहुत सारे देशों में पहले से ही वेलवे का मास्क को वहाँ पे बैन लगाया है, क्योंकि दोस्तों ये मतलब कोविड-19 से मतलब बचा नहीं पा रहा था सही से, और हेल्थ के लिए भी वो सही नहीं था, जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे वेलवे को मास्क को वहाँ पे कुवैत गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया है। अगली खबर साथियों काफ़ी अच्छी है, वही आसिफ आप सभी वर्करों के लिए हैं। तो PM आर्ग्यूज प्राइवेट सेक्टर कंपनी टू डिपॉजिट कुवैती वर्कर सैलरी इन बैंक। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जितनी पब्लिक अथॉरिटी और मेन पावर का ये कहना है कि पहले जितनी भी कंपनियां होती थी, वर्कर को जो सैलरी दिया जाता था उनमें से मतलब दिखाया कुछ जाता था कागज में और सैलरी कम दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे वर्करों के साथ होता था, किसी को आधी सैलरी दी जाती थी, किसी को कम सैलरी दी जाती थी, पर वो इसी को देखते हुए बहुत सारे वर्कर ने वहाँ पे कंप्लेन किया है। तो दोस्तों, पब्लिक अथॉरिटी मेन पावर ने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी वर्कर की सैलरी है वो अब कंपनी द्वारा बैंक में जमा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब बैंक में जमा होगा और बैंक के द्वारा वर्कर वहाँ से निकालेंगे। ऐसे दोस्तों 4530 कंपनियों को नोटिस दिया गया है कि आपका जितना भी आपको वर्कर काम करता है, आपको उसके वर्कर के बैंक अकाउंट में आपको पैसा डालना है, उस बैंक अकाउंट से वर्कर वहाँ से पैसा निकालेगा। तो साथियों, इससे क्या होगा कि आपको जो पैसा जितना लिखा जाएगा कागज में उतनी ही सैलरी दी जाएगी, उससे कम काटा नहीं जाएगा। दोस्तों, जिसका भी मतलब अकाउंट नहीं है कुवैत में, तो 15 तारीख तक डेट दिया गया, 15 तारीख तक दोस्तों अपने बैंक अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा यदि होता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वर्करों के लिए काफ़ी इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो ये कुछ खबर थी साथियों जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को कुवैत की जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।